राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अभिलक्ष्मी। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। एलर्जी किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे कई बार क्या होता है कि चेहरे पर चकत्ते टाइप में हो जाते हैं, गोल गोल लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं पूरे चेहरे पर। और कई बार क्या होता है, फुंसियाँ हो जाती हैं, उन फुंसियों में मवाद हो जाती है, जो पीली पीली मवाद हो जाती है उसके अंदर, या फिर पानी सा भर जाता है। और कई बार क्या होता है कि चेहरा धूप में बैठने के कारण लाल हो जाता है, या फिर काले काले उस पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो आज हम इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। और बहुत ही आसान तरीका मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें। कई बार क्या होता है, आधी अधूरी जानकारी काफी ज्यादा हानिकारक होती है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, इन समस्याओं को जो मैंने यहाँ पर आपको समस्याएं बताई हैं, इन समस्याओं के लिए सबसे पहले हम समस्या ले लेते हैं कि जो चकत्ते होते हैं चेहरे पर, जो लाल लाल गोल गोल चकत्ते हो जाते हैं चेहरे पर, उसकी बात करेंगे सबसे पहले हम। फुंसियाँ टाइप में हो जाती हैं। तो इस तरह की कोई समस्या यदि आपको हो गई है, तो सबसे पहले तो यदि चेहरे पर कोई भी समस्या, कोई भी एलर्जी आपको यदि हो चुकी है, तो सबसे पहले आप साबुन या फिर फेस वॉश से यदि आप चेहरा धोते हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि ये फेस वॉश जो मार्केट में मिलते हैं, यह भी अच्छे नहीं होते चेहरे के लिए। और यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको हो चुकी है तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें इन चीज़ों को, साबुन और फेस वॉश को। इसके लिए आप थोड़ा सा बेसन लें और बेसन में दही को मिक्स करके आप उससे चेहरा साफ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार महसूस ये होता है कि चेहरे की गंदगी नहीं निकल पाती, तो आप बेसन को दही में मिलाकर उससे ही डेली चेहरे को साफ कर लें, तो आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा और ये समस्या भी नहीं रहेगी। अब बात आती है हमारे सामने कि हम क्या कर सकते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आपके आसपास नीम तो जरूर होगा, नीम तो सभी जगह मिल जाता है। तो आप नीम को लें, लगभग आप ऐसा लें 30-40 पत्ती या फिर दो मुट्ठी आप नीम की पत्तियां ले लें। और उन ताज़ा नीम की पत्ती, जब भी आप इसको बनाएं तो ताज़ा नीम की पत्ती लें और उसे पानी में गर्म कर लें। और आप इतना पानी में गर्म करें, यानी कि आधा लीटर पानी में, कि आप जब भी बनाएं ताज़ा ही बनाएं इसको। जब मैं बता रही हूँ आपको ताज़ा ही बनाना है, तो आप आधा लीटर पानी लें और आधे लीटर पानी में लगभग 20 से 30 पत्ती को डाल दें। 20 से 30 पत्ती या 30 से 40 पत्ती इस तरह की डाल दें आप, और उस पानी को गर्म होने के लिए रख दें। पानी को खूब खौला लें आप, बढ़िया तरह आप गर्म कर लें पानी को, यानी कि पानी की मात्रा आपकी आधी रह जानी चाहिए। उसके बाद आपको जब ये ठंडा हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा तुलसी का सत डालना है, यानी कि तुलसी का जो तुलसी के 2-4 पत्तों को आपको कूट कर पीस कर और वह डाल देना है उस पानी के अंदर, जो आपका पानी तैयार हुआ है उसके अंदर डाल देना है। और फिर उस पानी से आपको अपने चेहरे को धोना है। चेहरे को या तो आप धो लें और या फिर कोई कॉटन की सहायता से इस पानी को अपने चेहरे पर लगा लें। और यह आपको दिन में 3 बार करना है, और यह कम से कम आपको 30 से 40 दिन तो ज़रूर करना है। यह आपके चेहरे पर किसी भी तरह की एलर्जी है, यानी कि लाल जो चकत्ते अब बनने शुरू हो गए हैं या काफ़ी दिन से हो रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा समस्या बनी रहती है, फुंसियाँ बहुतों के ख़त्म ही नहीं होती, तो यह आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब हमारी जो दूसरी समस्या है कि यदि फुंसियाँ हो गई हैं और में मवाद और ये पानी जो निकलता है, आप उस समस्या में आप नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि रात को सोते टाइम आप नींबू का प्रयोग करें, नींबू अपने चेहरे पर लगाएं। लेकिन कई बार क्या होता है, नींबू से इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नींबू एलर्जी में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन यदि आपको दर्द होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी मवाद हो रही है उसमें, यदि इचिंग हो रही है, तो फिर आप मत लगाइए, उसकी जगह आप गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो यह पानी जो मैंने आपको बताया है कि दिन में 3 बार आपको इस पानी से फेस को वॉश करना है, तो यह तो आपको करना है कंटिन्यू, 30 से 40 दिन करना ही करना है। तो जब आप 40 दिन लगभग आप इस पानी को यूज़ कर लेंगे, तो आपको चेहरे की जो भी समस्या है उससे आपको निजात बिल्कुल मिल जाएगा। और यदि आपको
उसके बाद भी यदि आपको कोई आराम नहीं होता तो यह इस आयुर्वेदिक नुस्खे के द्वारा भी यदि आपको आराम नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि कोई भी बीमारी ज्यादा दिन होती है तो वह और भी नासूर बन सकती है। और तीसरा है, यदि धूप से आपको एलर्जी हो गई है तो आप उसके लिए गुलाब जल का प्रयोग करें। गुलाब जल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए, तो आप गुलाब जल को हमेशा फ्रिज में रखें स्प्रे बोतल में, और जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं या यदि आप धूप आपके चेहरे पर आपको ईचिंग महसूस हो रही है या फिर कहीं से भी आप बाहर से आ रहे हैं तो स्प्रे बोतल से अपने चेहरे पर उसे गुलाब जल को स्प्रे करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। और सोते टाइम भी आप जब भी आप रात में सो रहे हैं तो आप फेस पर गुलाब जल को लगाकर सोएं, इससे आपके चेहरे पर बहुत जल्दी आराम होगा। और यदि आपका जो चेहरा धूप से जल गया है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और यह आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा, यह मैंने जो घरेलू इलाज आपको बताया है कैसा लगा, और यदि आपको आराम मिलता है इससे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी यूज़फुल वीडियो में, तो थैंक यू।